हमारी मेहंदी लग गई है। आज मैंने किया है तवरा का मेकअप। तो यहाँ पे हमारा इवनिंग स्नैक लग गया क्योंकि अब और ये केक सबसे पहले मैं आप लोगों को खिलाती हूँ। खिलाओ। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? तो आज का ब्लॉग है ईद ब्लॉग। आज है चांद रात और मैं आपको खाते खाते स्टार्ट कर रही हूँ आज ब्लॉग। यहाँ पे है मैगी, चिप्स, कुरकुरे। हाँ, और यहाँ पे हूँ मैं और मैं खा रही हूँ। और यहाँ पे सारी लाइट्स ऑफ कर रखी है क्योंकि अभी ऐसे अच्छा लग रहा है। हमें थोड़ा लाइट्स ऑफ करके अच्छा लग रहा था तो हमने लाइट्स ऑफ कर दी। और अभी हम लगवाएंगे मेहंदी, सबसे पहला काम हमारा। और हमने अपना रूम क्लीन कर लिया अच्छे से। तो चलो फिर अब दिखाते हैं आपको मेहंदी आर्टिस्ट हमारी आ जाए, उसके बाद में मेहंदी लगवा लूं जल्दी से, फिर करते हैं। तो अभी मैंने अपने रूम को कूल करने के लिए लाइट्स ऑफ कर दी हैं और एसी ऑन कर दिया क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही थी बहुत देर से। और मैं आपको रेडी दिख रही हूँ क्योंकि यार मैंने सोचा कि मैं थोड़ी बहुत रेडी भी हो जाती हूँ क्योंकि अगर मुझे कोई स्टोरी या कुछ वीडियो बनानी हुई तो मैं बनाऊंगी। यहाँ पे देखो कैसा अंधेरा हो रहा है। तो मैं दिखाती हूँ अभी किचन में क्या क्या हो रहा है। किचन में हो रहा है खाना पकाना, साफ सफाई, ठंडा पानी नहीं पी सकते। क्या बन रहा है? ओ, मेरे लिए स्नैक्स बन रहे हैं भाई। अभी मिनी समोसे। ये देखो बस। और ये है छोले कल के लिए जो अभी आधा तैयार हुआ है। चलो चलो, यहाँ पे पूरी सफाई हो चुकी है। बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है और यहाँ हो रही है बारिश और जो कि हो रही है दो तीन दिनों से बिल्कुल लगातार हो रही है लेकिन बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ पे। यार इतना अच्छा मौसम हो रहा है कि मैं बस क्या ही बताऊँ। क्योंकि ह्यूमिडिटी तो है, गर्मी लग रही है, मौसम अच्छा है वैसे एकदम बिल्कुल ठंडा। चलो यार वापस अंदर। अभी मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ी सी रील्स बना लूँ, मजा आएगा थोड़ा सा। मैं रेडी तो हो ही गई हूँ तो फिर रील्स बना लेते हैं या कुछ इंस्टा स्टोरी। तो चलो फिर हम आपको मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। तो हमारी मेहंदी लग गई है, ये देखो। तो ये मेहंदी जो है हमें बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है यार। मैं तो बार बार देख ही जा रही हूँ। सनी की मेहंदी तो बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, तुम्हारी भी लग रही है। तो हम लोगों ने बहुत बहुत पिक्चर्स भी ले ली अपनी मेहंदी के साथ। अगर आपको वो देखी तो आप इंस्टाग्राम पे जाओ और जाकर देखो। और कल आपको दिखाएंगे कि ये कैसी मेहंदी रची है। हाँ, इसका कलर कैसा आता है। तो अब तो हम लोग थोड़े थक गए हैं क्योंकि एक जगह पर ही बैठे बैठे तो बहुत ज्यादा थक गए। तो अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा रेस्ट करने और मैं जा रही हूँ चाय बनाने दूसरी बार। जल्दी से चाय बनाओ क्योंकि मैं अभी जब बनी थी मैंने पी नहीं। अभी मुझे टिप्स पे मेहंदी लगानी है और इस वाले हाथ की बची हुई है अभी। मैंने टिप्स पे नहीं लगाई अभी तक क्योंकि मुझे बहुत ही ये सब मेरा ड्राई नहीं हुआ था। अब मैं टिप्स पे लगाऊंगी जाकर खुद से। मुझे तो समलीन का बैग बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी अपना बैग बहुत ज्यादा अच्छा तो लग रहा है। तो कल हम आपको अच्छे से लुक दिखाएंगे कि कैसा है ये। और चलो फिर हम आपको मिलते हैं अब कल क्योंकि अब तो रात हो ही गई है। तो अब हम आपको मिलेंगे सुबह, आज सुबह। तो अभी के लिए तो चांद रात मुबारक और थोड़ी देर बाद हम आपको ईद मुबारक भी बोल देंगे। और हमने सफाई तो कर ली थी रूम की, अब फिर से गंदा हो गया मेहंदी की वजह से बिल्कुल। हर जगह पे मेहंदी मेहंदी और स्मेल भी सिर्फ मेहंदी की आ रही है। तो वो भी हमें साफ करना होगा। वैसे पूरा रूम क्लीन था हमारा थोड़ी देर पहले तक। थोड़ी देर पहले सब कुछ क्लीन था पर अभी थोड़ा सब बर्बाद हो गया। बस उसको हम लोग क्लीन कर लेंगे वैसे। और जो हमारा भाई है वो बहुत ही गंदा है क्योंकि वो कचरा फैला के गया है यहाँ पे देखो। कुरकुर, सॉरी यार। अब हम आपको मिलेंगे आज सुबह। तो चलो बाय बाय। अभी यहाँ पे आ गई है तहूरा और करवा रही है मेकअप। हाय करो, ऐसा तमाचा दिखा रही है। थप्पड़ नहीं दिखाना। नहीं, वो थप्पड़ नहीं दिखाती। तोरा कैसा लग रहा है? मुझसे मेकअप करवा के तो बता दो जरा कैसा लग रहा है। थोड़ी तारीफ तो हो जानी चाहिए मेरी। अच्छा ही करती हूँ आप। छोड़ दू, रख दू तो बताओ। नहीं, अच्छा करती है। तो अब हम आपको मिलेंगे थोड़ी देर बाद मेकअप करके। तो मैं आपको मिल रही हूँ रेडी होने के बाद। और मैंने अभी अपने बाल नहीं बनाए हैं तो मैं अभी कर्ल्स करूंगी क्योंकि मेरे बाल जो है वॉश किए थे मैंने तो अभी ड्राई नहीं हुए हैं। तो आप लोग मुझे बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने व्हाइट पहना है, मेरा आउटफिट व्हाइट है और मैंने फर्स्ट टाइम व्हाइट सूट लिया है। और मेरी मेहंदी माशाल्लाह। मैं भी आउटफिट दिखाती हूँ आप लोगों को अच्छे से। और पहले मेरी मेहंदी देखो। और मुझे तो अपनी मेहंदी बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है सच में। मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गई हूँ आज। और बस मुझे अपना सूट भी बहुत अच्छा लग रहा है व्हाइट। और आप लोग कमेंट करके बताना कि मेरा सूट कैसा लग रहा है। मैं जल्दी से अपने बाल बना लेती हूँ उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। मैं थोड़ा लेट हो गई तैयार होने में। अभी टाइम हो रहा है 2 बजने वाले हैं। तो देखो पहले मेरा आउटफिट देखो। तो ये है मेरा आउटफिट व्हाइट और ये व्हाइट सूट है। इसका व्हाइट दुपट्टा मैं आपको पहनकर दिखाऊंगी अभी अच्छे से। आज मैंने किया है तवरा का मेकअप।
और हेयर स्टाइल मैंने बनाई है। हाँ यस, हेयर स्टाइल सिटिया भी ने करी है और मुझे अपनी हेयर स्टाइल बहुत प्यारी है। और मेकअप भी बहुत अच्छा है मेरा। हर टाइम हर ईद पे भी समीरा पे करती है, हर साल समीरा पे। हाँ और आज तो रहा है, बहुत मजा आ रहा है हम लोगों को। हम लोग तब सॉन्ग से चला रहे हैं और मजे कर रहे थे। तैयार होने टाइम भी हम लोगों ने बहुत मस्ती करी है और हम लोग साथ में हो तो भाई मस्ती तो बनती है। हाँ और अभी तो क्या कर, हाँ वो भी बोलो। और अभी मैं समीरा पे एक चीज कहना चाहती हूँ, मैं आपको पहले ही कह रही हूँ कि अपनी नजर उतरवा दे। बच्चे अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था यही, और मैं कह रही हूँ कि हम दोनों एक दूसरे की नजर उतार लेते हैं, बताओ क्या सही है। सो अब मैं समीरा पे नजर उतार रही हूँ। हाँ उतारो फिर मैं उतार। तो क्या करें, लाओ चीनी वो दो, लौंग चीनी लौंग दो, लाओ लौंग दो, मान लो लौंग ये लौंग लौंग ठीक है, मैंने लौंग दे दिया। अब लौंग दे दी, शॉर्ट दो, शॉर्ट दो, हाँ ये शॉर्ट्स भी दे दी, अब इसको मिक्स कर देती। ये क्या खाना बना रही हो? नजर उतारने के लिए भी कुछ बनता है ना। हाँ, चलो थोड़ा टाइम लगता है, वेट करो। चलो आओ बन गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, खा लो खा लो, मुँह में भी ना जलने लगे, लो कपड़ों को भी खिला लो। हाँ और अपने अपने यहाँ से भी तो वो लेकर लगाओ ना। हाँ वो जो टीवी सीरम लगाते हैं। यार आग पे लगा दिया मेरी मेरी अपनी आग से लेकर मेरी आग पे लगाया, यहाँ लगाया। बस अब तो मुझे नजर नहीं लगेगी किसी की भी। अब मैं लगाती तुम्हें चलाओ। बिस्मिल्लाह काला टीका, आप इनका काला टीका दोनों तरफ, तबरा मैं दोनों तरफ लगा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं नजर लगेगी आपको। हाँ अब नहीं लगेगी, तो मैंने इतने अच्छे से नजर उतार दी है। इधर आओ, एक टूटा भी बस और भी टूट रहा। बहुत सारा टूटा, तो चलो हमारी नजर तो उतर गई है। Yes. बस अब हो गया अब नजर का काम, अब मैं अब जल्दी अपने बाल बना लेती हूँ, फिर हम आपको मिलते हैं। देखो ये क्या कर रही है, न्यू हेयर स्टाइल। मैं बन रही हूँ लड़का, बिकॉज बहुत दिन हो गए थे मैं लड़का नहीं बनी। कौन लड़का, क्या नाम था लड़के का? तो लड़की का नाम है रोहन, रोहिणी। अब बस हम थोड़ी देर में तैयार हो जाएंगे, तो अब मैं भी रेडी हो गई हूँ। ये देखो ये पोज आजकल का, ये लड़की परेशान हो रही है क्योंकि इसको कॉल करवाना है। ये तैयार होकर बैठ गई है तो ये पागलों की तरह कर रही है कि अब ये करो वो करो, और ये मैं रेडी हो गई हूँ। तो यहाँ पे देखो मेरी आउटफिट, कोई दिखाने नहीं दे रहा, ये देखो 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 देखो। तो गाइस मुझे यहाँ पे कोई भी रील नहीं बनानी, ये 50 घंटे से रेडी है, ये सुबह आती ही रेडी हो गई थी लड़की 11 बजे ही, और उसके बाद से ये हम लोगों को बोले कितना टाइम लगा रही हो, कितना टाइम लगा रही हो। भाई तुम रेडी हो गई तो तुम्हें क्या मतलब कि हम भी हो जाए एक मिनट में रेडी। तुम्हें तो दो लोगों ने मिलकर रेडी किया है, बाल भी सबने के बाल भी कर्ल कर्ल हो गए हैं, दिखाओ जरा। ये देखो मेरे बाल, और अभी हम सबका अलग से लुक दिखाएंगे। हाँ, अच्छे से लुक दिखाएंगे। और माशाल्लाह जन तो बहुत अच्छा लगा। तो अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ ऑर्डर करने खाने के लिए, भूख लग गई बहुत तेज, बहुत ज्यादा। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम कुछ अपनी डांस पार्टी करेंगे सोच रहे हैं। बस चलो फिर वही करते हैं, देखो आप लोग हम लोग कितनी मस्ती करेंगे। तुम अपनी हील्स दिखाओ, मैचिंग मैचिंग तुम्हारी हील्स। ये तो भैया फोटो खींचने में बिजी हो गई है, मेकअप देखो पहले। मेरी हील्स, मैंने अभी हील्स पहनी नहीं है, जाओ लेकर आओ, लेकर आते हैं मेरे लिए भी ले आना पिंक हील्स। तो अभी तहूरा जो है वो आप लोगों के सामने, आप लोगों से और हमसे भी है ना प्रॉमिस करने वाली थी। हाँ। जरा प्रॉमिस कर रही है वो, एक प्रॉमिस बहुत बड़ा प्रॉमिस है। चलो आओ तहूरा बताओ। ये है कि मैं अभी जा रही हूँ और मैं 4:30 तक यहाँ पे आ जाऊंगी। देख चार, ठीक है मैं अभी आप लोगों को टाइम बताती हूँ। अभी टाइम क्या हो रहा है, 3 नहीं बजे, अभी 2:55 हो रहा है, 2:55 हो गया। तो अगर 4:30 बजे तक तहूरा यहाँ नहीं आई तो मैं तहूरा से कट्टी हो जाऊंगी। वो भी कितने दिनों के लिए? 10 days नहीं, 4-5 साल कम से कम। हेलो, उसको ज्यादा ही नहीं हो गया, 4-5 साल। तो इसके घर पे ना बच्चे आए हुए हैं, तो उससे मिलना है इसको, तो ये ना बहुत ज्यादा मतलब उनसे प्यार करती है, तो मिलना तो पड़ेगा ना। तो अभी के लिए बाय बाय, अभी हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग अपनी फोटोज वोटोज क्लिक करा लेते हैं, इतने में जब वो आएगी फोटोज लेते हैं पारी पक्का। तहूरा मैं प्रॉमिस है, ये वादा है। यहाँ पर बन रहे हैं टेस्टी यमी कबाब। तो अभी मैंने बहुत सारी रील्स बनाई है और अभी समरीन बना रही है रील्स, तो देखो अभी मैं रील्स बना रही हूँ, अभी मेरा टाइम है यहाँ पे बैठ के रील्स बनाने का। हाँ। रिंग लाइट मेरे पास है, और इस रिंग लाइट में भी पता नहीं यार क्या हो गया है, बिल्कुल खराब ही हो गया। अभी पता मेरे साथ क्या हो गया,
मैंने ना वो नायका से ऑर्डर की थी आईलैशेस, और ये जो है ना ये उसमें ही था बॉक्स के अंदर ही, और मैंने आईलैशेस निकाल दी। फिर मैंने सोचा यार मैंने शीट मास्क भी तो मंगवाई थी, वो नहीं आया और सिर्फ आईलैशेस आई है, तो मैंने क्या पता अगले दिन आ जाए। और मैंने बॉक्स को ऐसे ही फेंक दिया इसके साथ ही, और बस मैंने आईलैशेस निकाल, और फिर मेरी अम्मी ने बाद में देखा कि ये उसके अंदर ही पड़ा हुआ था। और जब मैं फेंक रही थी ना तो मुझे लग रहा था यार ये बाहर ही क्यों हो रहा है, और मुझे दिखा ही नहीं उसके अंदर। अंधी हो गई हूँ मैं बिल्कुल सच में। चलो भैया वापस इसकी ईद देखो कैसे हो रही है, सो सो कर टिकटाकर टिकटाकर। मैं रील बना रही हूँ जो कि आप लोग oh, हेलो टिकटाकर आंधे 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 की क्या बोलते क्या क्या आने दे, लाइक फॉलो आने 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 आने। चलो तो अब मैं जा रही हूँ कुछ खाने के लिए ऑर्डर करने, तो मैं वो ऑर्डर यार भूख लग रही है जल्दी से कुछ ऑर्डर करो। अब हम लोग तो अभी तहुरा फाइनली आ गई है फिर से, यार तहुरा ने वादा पूरा किया अपना तो ये तो मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तहुरा ने फिर से वादा अपना पूरा किया और ये आई। तो अब हम लोग कुछ खाने वाले हैं, हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया था, चलो जल्दी से अब हम लोग लेकर आते हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने टेबल भी लगाई है जिसपे हम बैठ के खाएंगे आराम से, उसके बाद हम करेंगे पार्टी ये। तो चलो अभी देखते हैं कि हमारे खाने में क्या आया है। वैसे मैं इतनी देर से रील्स बना रही थी, तो अभी बज गए हैं 5:30 ऐसे ही करते करते। चलो अभी पहले खाते हैं फिर कुछ करते हैं। तो ये है हमारा पिज्जा, और ये है हमारी तहुरा, और ये है पागल, और ये है प्यारी सी स्वीटी आपी प्यारी। कितने पैसे दिए थे, कितना दिए थे? तो अभी हम लोग गाइस चैलेंज करने वाले हैं, पिज्जा चैलेंज, पिज्जा चैलेंज करेंगे, और इसमें हमें देखना है कि सबसे पहले कौन पिज्जा फिनिश करता है। ये बहुत ही अच्छा चैलेंज है, अब हम ये करने वाले हैं, तो अभी देखते हैं कि कौन पिज्जा। तो भाई इसमें तो कोई प्लान नहीं था ना ये कहाँ से। हाँ तो कर सकते हैं ना भाई, अभी इसमें तो मजा आएगा ना, तुम क्यों डर रही हो खाने से। यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें आई है खाने के लिए, रहा नहीं जाता अभी नहीं, सब कुछ लगा लेते उसके बाद। पहले हम लोग सारा कुछ अच्छे से लगा लेते हैं, उसके बाद हम चैलेंज भी करेंगे। तो यहाँ पे हमारा इवनिंग स्नैक लग गया, क्योंकि अभी बज रहे हैं कितना, 6 बजने वाले हैं अभी, और हम लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया था है ना, तो हम लोगों को लगी भूख। और ये देखो ये आ गया, ये मतलब ये तो लेना पड़ेगा, ये नहीं चाहता कि इसको काम करते हुए कोई देखे, राजा राजा का बेटा राजा ही रहेगा। यहाँ पर हमारे खाने के लिए है कबाब, पिज्जा, मोमोज, कचौरी, छोले, और हमारा फेवरेट कमेंटर्स का किट कैट शेक, जो कि हमारा बहुत ही ज्यादा फेवरेट चल रहा है आजकल, और है पनीर कुलचा। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और हमारा चैलेंज ये है, चैलेंज है हाँ, चैलेंज मतलब थोड़ा सा चैलेंज है कि अभी 1 मिनट का टाइमर लगाओ, 1 मिनट में ये देखना है कि 1 मिनट में कौन कितना पिज्जा खाता है, कितनी स्लाइस, ठीक है, मोटी हो खाओगी। चलो 1 मिनट ज्यादा लग रहा है तो 2 मिनट कर देते हैं, या फिर ये कौन पी लेता सबसे पहले। नहीं यार ये तो आराम से इतनी जल्दी खत्म नहीं करता, पिज्जा भी अटक सकता है यार, ये जल्दी वाला मत करो कोई भी चीज। चलो मोमोज पे करते हैं फिर, मोमोज तो बहुत ही वो है स्पाइसी। अबे यार तो फिर कुछ तो करना पड़ेगा ना, पिज्जा ही करो। तो चलो पिज्जा का करते, टाइमर लगाओ कोई जल्दी से, टाइमर लगाओ बाजू। देखो मैं इतनी बड़ी जानवर हूँ ना कि ये बस ऐसे ही भाग लेना, अपने आप को ही बोल दिया। मुझे यार वो पसंद है कैप्सिकम, तो किसी में भी खा लेना ना, ये से स्टार्ट कर सकते हैं। चलो तुम नहीं हो चैलेंज में, हम तीन बस ठीक है निकलो, इसको दिल नहीं करता वैसे भी करने का। चलो तो यार लेकिन कोई वो ना कर लेना, आराम आराम से खाना। 1 2 3 स्टार्ट, टाइमर लगा है। खाया नहीं जा रहा यार, आराम आराम से खाने अलग ही बात होती है, एक भी खत्म होगा, 1 मिनट खत्म होने आराम होगा। चलो एक, अबे यार ये जीत गई मोटी। तहुरा है इस चैलेंज की विनर, तालियां। इस चैलेंज का लूजर मैं कम खाता हूँ, ये सब ज्यादा। तो अब हम आराम से खाएंगे, हाँ अब हम जल्दी में नहीं खाएंगे, हमने बहुत जल्दी में खाया है। तो हम लोग ना बाहर खाना खाने वाले थे, मतलब कि हॉल में, वहाँ पे इतनी गर्मी है कि हम लोगों ने पूरा सारा सेटअप यहाँ पे किया है। बिल्कुल हम लोगों ने वैसा ही कर दिया जैसा वहाँ पे होता, लेकिन यहाँ पे बहुत ही सब कुछ खा थोड़ा थोड़ा, ताकि ये वाला चिली मोमोज खा कर देखो, उसके बाद हमें डांस करना है। इसको चला यार एसी बंद करके खा रहे हैं हम लोग, और सबके मुंह की आवाज आ रही है, बहुत तेज आवाज आ रही है, इसलिए जल्दी से एसी ऑन कर। हम कहीं बाहर आए क्या, बर्थडे पार्टी हो रही है यहाँ पे। अब मैं कुलचे खाऊंगी, छोड़ो यार ये
इतना हाईलाइट क्यों कर रही है? अब मैं कुलचा तोड़ूंगी, कुलचा में मैं रखूंगी, अब मैं छोले लूंगी, अब मैं चटनी लूंगी। अरे भाई इतना क्यों बता रही हो? दिख रहा है हम लोगों को तोरा आपके इंटरेस्ट किएगी, तोरा छोले लेगी। अरे यार थक गई खाते खाते, मैं तो बोलूंगी ये कम दिखा रही है आप लोगों की, ये कम खाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी कैमरा बंद होने तो फिर ये सब खत्म हो जाएगा। हम है कि हम कैमरा वो तो तुम्हारा दिख रहा है कि तुम कितना खा रही हो, देखो मैं हल्की सी ये तोड़ूंगी। मैं तो बहुत खाती हूँ, तो बोल रही हूँ तो खाओ। तो यहाँ पर ये लड़की जो है ये दोबारा बोल रही है कर्ल करो, यहाँ पे इसके बाल पूरे स्ट्रेट हो गए, फिर भी खाना पीना खाकर मैं कह रही हूँ कि डांस कर लो कर लो कर लो, नहीं लेकिन नहीं, यहाँ किसी को कर्ल्स करने हैं, कर्ल्स। हाँ कर्ल्स ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं तोरा की साइड से हूँ, मैं कह रही हूँ तोरा के कर्ल्स कर दो, है ना तोरा बेचारी अकेली। तो मैं करूंगी नहीं, उठो बंद करो। ओके, मेरे फ्रेंड्स की कॉल आ रही है वीडियो कॉल, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, सब लोग कॉल पे होंगे। ओके चलो, है ना तोरा, मैं तुम्हें दिखाती हूँ, नहीं तो मैं नहीं दिखाऊंगी। तो अभी ये अपनी फ्रेंड्स के साथ बातें कर रही है। हाँ क्योंकि हम मिले नहीं तो हम यही बातें कर रहे हैं। बंद कर दो ना, वहाँ पे थोड़ी ना आवाज आ रही है। मैं नहीं आ रहा, कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहा है। अभी तक हम लोगों ने एक फोटो भी नहीं, एक फोटो इतनी देर से अपनी ले रही है, ये तो सरासर झूठ है। झूठ तो तुम बोल रही हो। मैंने एक भी फोटो नहीं ली है, मतलब अच्छे से जो पोस्ट करने लायक हो। मैंने भी ये बोलो ना, ये बोलो किसी ने भी नहीं ली। ये लड़की बहुत परेशान कर रही है। मैंने भी नहीं ली है। तुम इतना परेशान क्यों कर रही हो भाई, बताओ। किस में 8 साल की हूँ। 8 साल। आपसे विनती करती हूँ, मैं आपसे विनती करती हूँ। क्या करती हूँ विनती, बताओ जरा। कोई विनती ये है कि आप लोग प्लीज जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो। आप ये हमारी आपसे विनती है। और हाँ, मेरे लिए तुम्हारी कोई गिनती है, शेयर कर दो प्लीज। शेयर कर दो। अभी तक थोड़ा का मूड खराब हो गया था, लेकिन अभी थोड़ा सा ठीक हुआ है। बहुत ही नखरे होते हैं इसके। हाँ। और मैं क्या बताऊँ इसके बारे में, नखरे वाली, नखरे वाली, नाम है नखरे वाली। आई हैव टू मेनी मूड स्विंग्स। ओके मजा आया, हमने बहुत मजे भी किए। हाँ, हमें बहुत ज्यादा मजा आया। और थैंक यू तौरा आने के लिए, शूट नहीं किया वैसे भी हमने बहुत मजे किए। हम लोगों ने ऑफ कैमरा बहुत ज्यादा मजे किए, जो कि हम दिखा नहीं पाए, जो कि हर बार होता है। क्यों रही हो तौरा, टल्ली हो गई क्या? वो एक जगह पर खड़ी नहीं रहती। तो कश्मीर की बोतल में पंजाब का पानी, अब तहुरा जा रही है हमारी रानी। तो चलो भाई, सब लोग तहुरा को टाटा कर दो, टाटा कर दो, टाटा। पूरा चली गई है और अभी मैं जा रही हूँ समनीम की फोटोशूट करने, क्योंकि पहले वो कर लेती हूँ मैं, फिर वो मेरी फोटो क्लिक कर देगी और स्लोमो जो भी है। हाँ, वो करने के बाद, क्योंकि हमें रेस्ट करना है, और क्योंकि हम लोग सुबह क्या 2-3 घंटे के लिए तो सोए थे बस। हाँ, 10 बजे, 8:30 बजे तो सोए हम लोग, फिर उठ गए 10 बजे उठ गए। तो इसलिए अब इतनी नींद आ रही है कि बहुत। तो अब तहुरा भी चली गई है और सब कुछ हो गया है, और अब तो रात भी हो गई है, और अब हम लोग बहुत थक गए हैं। हम लोगों को तो नींद इतनी आ रही है कि मैं क्या बताऊं। तो अभी हम लोग सोच रहे कि अभी हम लोग जा रहे हैं, अब हम लोग सो जाते हैं, फिर हम आपको मिलेंगे सेकंड डे पे, मतलब डे टू पे कल। हाँ, और फिर हम आप लोगों को दिखाएंगे हम लोग क्या पहन रहे हैं और क्या कर रहे हैं। और आज तो हम लोग बस अब यार आराम करने जा रहे हैं। वैसे तो आप लोगों ने हमारा आउटफिट देख ही लिया, आप लोग बताना कि कैसा लगा। जल्दी से पहले अभी बता ही दो कि आप लोगों को आउटफिट कैसा लगा हमारा, और अब कल का व्लॉग देखो। और हम लोग चलते मेकअप रिमूव करने अपना, और लेंसेज का भी टाइम हो गया है बहुत। यार मेरे तो आंखों से दिल कर रहा है नोच के निकाल। हाँ, मेरा भी सच में बिल्कुल मन कर रहा है, निकाल दो जल्दी से। चलो फिर हम आपको मिलते हैं। मुझे एक चीज दिखानी है, देखो ना, बर्थडे पे समीर ने मुझे हील दी थी ना, वो देखो किसने पहनी है। ये हील्स तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, तो मैंने यही पहन लिया। ये देखो जरा आउटफिट से थोड़ा, क्योंकि मैंने उसी टाइम पे बता दिया था कि समरीन ये पहनने वाली है। हाँ, तो क्या हो गया यार, मेरे बर्थडे पे जो दिया था वो तुम अभी तक यूज कर रही हो। क्या हाईलाइट है। चलो तो अब हम मिलते हैं कल, आपको कल मिलेंगे हम। तो मैं आपको आज मिल रही हूँ डे टू में, और डे टू है आज, और मैंने आज अपना आउटफिट पहन लिया है जो कि ब्लैक। मैं रेडी भी हो गई हूँ, आज मेरा रेडी होने का बिल्कुल मन नहीं था यार, मैं सोच रही थी कि रेडी। हाँ, मुझे बिल्कुल मन नहीं था आज। आप लोगों के लिए रेडी हुए हम,
कि व्लॉग हमें कंप्लीट करना है और हमारा रूम भी बिल्कुल मैसी है और मैंने भी ब्लैक पहना है। आज हम लोगों ने ब्लैक पहना है, ब्लैक व्हाइट। तो हमें बहुत दिखा रहा हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारा आउटफिट क्या है। उसके बाद हम लोग अभी हम लोगों ने ऑर्डर की हमारी ड्रिंक जो की आ गई है, फिर वो भी दिखाएंगे। कल की तरह हमने ड्रिंक ऑर्डर की है। तो ये है हमारा ईद का डे टू आउटफिट और अभी मैं आपको अच्छे से भी दिखाऊंगी क्या पहना हम लोगों ने। वैसे अभी देख लो ये। और मैं तो बस यार सोच रही हूँ कि क्या करूँ। मैं रील भी बना रही थी यहाँ पर बैठ कर, मैंने बहुत सारी बनाई हैं, तो बस बना लेती हूँ और फिर आपको दिखाते हैं हम लोग जो भी करेंगे। तो ये हमारा किटकैट शेक और अब हमारा खाने के लिए सारा कुछ आ गया सामान जो भी खाने के लिए मंगवाया था। अब चलो खाने चलते हैं, लेके चलते हैं आप लोगों को भी। पीछे तो हम लोग आ गए हैं अपने रूम में और अभी मैंने अपना वेट देखा है, तो मेरा वेट है 51.8। खाने के बाद फिर देखूंगी। और मेरा है, मैंने अभी अपना चेक नहीं किया, मैं खाने के बाद ही सीधा चेक करूंगी कि कितना है। चलो पहले अब देखते हैं हमारे पास खाने के लिए क्या क्या है। यहाँ पे हमारे पास फ्राइज, बर्गर और रैप। बस मैं इतना ही खाऊंगी, बस हो गया मेरा। तो उठ जाओ यहाँ से, उठ के चली जाओ। मेरे पैसे का ये पैसे वैसे की बात मत करो, पैसे की बात होगी। तो चलो हम लोग खाते हैं हमारा रैप और फ्राइज। मोबाइल नहीं टच करने देती है अपना। तुमसे अच्छा फोन है मेरे पास, iPhone 15। मेरे पास 20। समरीन खाती है रैप, फिर समरीन खाती है रैप। चलो अब खा लेते हैं, रैप दिखाओ अपना। चलो हम लोग खा लेते हैं। और ये है रैप, ये मेरा रैप है। रैप चैनल, वेलकम टू माय गाइस। और अभी हम लोग खा कर आ गए हैं और यहाँ पे रील्स बना रही है। बताओ मेरा इंट्रो कैसा लगा। हाय चैनल, वेलकम टू माय गाइस। वेल हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। नहीं, हाय चैनल, वेलकम टू माय गाइस। What is this behavior? तो हेलो चैनल, वेलकम बैक टू माई फ्रेंड। हेलो चैनल, वेलकम बैक टू माई फ्रेंड्स। कैसे आप सब? तो आप लोग, तो चैनल आप लोग मुझे बताना आप लोगों को गाइस कैसा लगा। आप लोगों को हमारी गाइस मेहंदी, आप लोगों को हमारी गाइस कैसी लगी? अब तक की गाइस हमारी कैसी चल रही है बताइएगा। कल से हम नारा गाइस ब्लॉग। तो अब मेरी मेहंदी भी देख लो आप। ये है मेरी मेहंदी। तो अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा लेटने। मैं तो लेटने बैठने वाली नहीं हूँ भैया, आज मुझे रील्स बनानी है। थोड़े दिन में हम मिलते हैं आपको। बाय चैनल, बाय बाय, चिंता कर दो। तो अभी समरीन सो रही है और अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने। फिर वो चाय पिएगी तो क्या पता उसकी नींद खुल जाए। तो चलो मैं अब जा रही हूँ चाय बनाने। तो मैं सो गई थी और मैं फिर आप लोगों को अब मिल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों मैं थकी हुई थी तो मैं सो गई और मुझे पता ही नहीं चला। मैंने सोचा मैं जल्दी उठूंगी लेकिन फिर ऐसा नहीं हुआ और फिर मैं उठी लेट। फिर मैंने चाय पी तो फिर मेरी आँख खुली और फिर उसके बाद मैं आपको अभी मिल रही हूँ। तो मैंने तो यार ईद में सिर्फ रील्स और ये सब ही किया है, क्योंकि हम लोग कहीं बाहर नहीं गए। मेरा बाहर जाने का बहुत मन था कि मैं बाहर जाऊँ और घूमूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब तो कल डे 3 है और कल मेरा शूट भी है, तो बस आज तक ही ईद थी और आज हम लोगों ने बहुत मजे किए। कल ज़्यादा आया था वैसे, कल ईद लग रही थी। आज तो हम लोगों ने सिर्फ अपने कपड़े पहने और बस रील्स और फोटोज भी। तो आप लोगों को फोटोज और रील्स हमारे इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगी, तो आप लोग जाओ वहाँ पर जाकर हमें फॉलो करो। और उससे भी ज्यादा अगर अपडेट्स चाहिए तो स्नैपचैट पे जाकर सब्सक्राइब करो। तो मैं आपको मिल रही हूँ फिर से दोबारा और मैं आप लोगों को ये बताने के लिए आई हूँ कि हमारे इंस्टाग्राम पे हो गए हैं 300K। ये तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और आज ही हुए हैं। और मैं आज कोई भी सेलिब्रेशन नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि आज होने वाले, क्योंकि रात तक 299 थे तो मुझे लगा सुबह होंगे, लेकिन फिर हो ही गए। मतलब इतना मैंने सोचा नहीं था कि होंगे, फिर जब हो गए तो मैंने सोचा कि यार क्या करूँ, क्योंकि यार मेरा शूट भी है। तो मेरा एक फ्रेंड है शाहरुख, जिसको आप जानते ही होंगे, तो उसने मेरे लिए केक भेजा है। तो थैंक यू सो मच शाहरुख, तुम अगर ये ब्लॉग देख रहे हो तो। और मेरे 300K को बहुत ही स्पेशल बना दिया इस केक ने। समरीन फॉर 300K, ओ कांग्रेचुलेशंस। बहुत फोटो क्लिक कर ली, अब चलो केक कट करने की। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि मैं कुछ भी सेलिब्रेट करूंगी, तो ये फिर भी थोड़ा बहुत हो रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हैप्पी 300K, हैप्पी 300K। और ये केक सबसे पहले मैं आप लोगों को खिलाती हूँ। खिलाओ खिलाओ खिलाओ, ये लो आप लोगों के लिए। और अब ये फिर शाहरुख तुम्हारे लिए, और ये अब तुम खा लो। मैंने भी खा लिया। अब चलो पहले मैं खा लेती। बहुत मजा आया, बहुत ही अच्छा केक है। आप लोगों को बस मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी, वो भी दिल से, कि आप लोगों ने मुझे हर जगह पे बहुत बहुत सारा प्यार दिया, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, जोश हो, स्नैपचैट हो, कहीं भी हो, बहुत सारा प्यार दिया है।
और इंस्टा पे हमारे 300 के हो गए, जो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि होंगे हमारे, और वो हो गए क्योंकि 30K पे जब मैं थी ना तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे 300 के होंगे। बस ऐसे ही करते करते हमें 1 मिलियन तक जाना है, तो ऐसे ही प्यार दिखाते रहो आप लोग अपना, और बस आगे तक जाना है। मेरे हाथ पे पूरा केक लगा हुआ है, तो बस अब मैं जाके अपना शूट कर लेती हूँ, और फिर आप लोग, अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो जाकर जल्दी से फॉलो करो, आपको आईडी स्क्रीन पर दिख रही होगी और वहां पर आपको सारी अपडेट्स मिलेंगी मेरी। तो आप लोगों को मैं इतना बता दूं कि अब मेरे बर्थडे की भी तैयारी शुरू होने वाली है। मैं बकरीद का ही वेट कर रही थी कि ये ईद चली जाए, उसके बाद से हम लोग सारी प्रिपरेशन शुरू करेंगे, और मुझे तो अभी कुछ नहीं पता यार क्या क्या करना है। बस मुझे इतना पता चला है अभी तक, क्योंकि आप लोगों ने ही बताया कि सोशल मीडिया थीम रखो, तो उसी की चीज के लिए करेंगे, उसी की बात करेंगे कि वो ही हो। अब देखते हैं यार कैसा होता है, मुझे तो लग रहा है कि होगा नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा। मैं अभी इतना सही से नहीं बोल सकती कि क्या होने वाला है। मुझे लास्ट ईयर भी ऐसे लगा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन माशाल्लाह से बहुत अच्छा हुआ, चलो इस बार भी इंशाल्लाह अच्छा ही हो। और आप लोग प्लीज दुआ करना यार कि लॉकडाउन ना लगे, थर्ड वेव ना आए कोरोना की, वरना यार फिर मेरा बर्थडे भी चला जाएगा, और ऊपर से बस सब सेफ रहे, मैं तो नहीं चाहता। तो बस आप लोग भी दुआ करो, मैं भी दुआ कर रही हूँ, सब लोग सेफ रहे, अपने अपने घर में रहे, और सब कुछ ठीक हो जाए जल्दी से जल्दी, ताकि हम लोग भी सब कुछ कर पाए और मैं अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट कर लूं। तो नेक्स्ट व्लॉग आप लोगों को बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, तो अभी मुझे ये व्लॉग एंड कर देना चाहिए, क्योंकि अब हम लोग डिनर करेंगे थोड़ी देर में, और फिर तो यहीं पर खत्म होता है व्लॉग। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए समय अली व्लॉग्स, और आप लोग मुझे सोशल मीडिया पर जरूर फॉलो करिए, आपको आईडी स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।